हाँ, एक्स को बाउंड किया गया है, और एक्स को बाउंड कौन से क्वाड्रेंट में किया गया है आप बता दीजिएगा। पाई से टू पाई, पाई से टू पाई में एक्स का बाउंड कौन सा है बेटा आपका? पाई से टू पाई में एक्स से कौन से क्वाड्रेंट में है? आप बोलोगे सर थर्ड एंड फोर्थ में। हाँ जी, आप किस में बोलोगे? थर्ड और फोर्थ में। मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूँ। हमारी बातें स्टार्टिंग से ही हो रही थी कि सर वन प्लस कोस अल्फा आता है, कोस एक्स आता है, या सर वन माइनस कोस एक्स आता है, बात कहाँ होती है हमारी? सर वन प्लस कोस एक्स आता है ना, वन प्लस कोस एक्स, तब हमारी है ना बात होती है, तब हमारी बात होती है टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू पे, और जब वन माइनस कोस आता है तो बात होती है टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू पे। ये सारी बातें हमारी हो जाती हैं क्योंकि हम पीछे से इन बातों को करके आए हैं, रिकॉल करके आए हैं, बार बार देखे आए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। क्यों बच्चे, ये सारी बातें हमें क्लियर हैं? क्लियर है तो देखते हैं आगे, तो आ जाओ फिर देख लेते हैं क्या ही दिक्कत है इसमें। हाँ, इसमें देखिएगा, वन प्लस कोस अल्फा की जगह हम लिख सकते हैं टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, फिर प्लस है तो प्लस में लिख दीजिएगा टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, और यहाँ से रूट में टू कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस टू साइन स्क्वायर एक्स बाई टू। यहाँ तक बेटा आपके कोई दिक्कत है तो आप शेयर कीजिएगा। हमने उतना ही काम किया है जितना हमें बोला गया था, बोला गया था उतना ही काम किया है। एक बार आप देख लीजिएगा, यहाँ आपके पास इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, अब आपको इम्पोर्टेंट बात यहाँ देखिएगा। आपको एक्स बाउंड किया गया है, एक्स बाउंड किया गया है कि भाई आप पाई से टू पाई में हो, है ना, लेकिन यहाँ एक्स की जगह क्या आ गया है, एक्स बाई टू आ गया है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, एक्स बाई टू करेंगे, तो यहाँ भी हमारा पाई से सॉरी पाई बाई टू से किसमें आ जाएगा, पाई में, और पाई बाई टू से पाई में आना आपका क्वाड्रेंट चेंज हो गया है ना, ये अब आपका क्वाड्रेंट हो गया है। बोलिएगा, आप जल्दी से कमेंट कीजिएगा, मेरे बोलने से पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए, है ना। मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि आपके हाथ में जब फ़ोन होता है या लैपटॉप होता है तो एक पेन और एक रजिस्टर ज़रूर होता होगा। हाँ, जब आप लिखते नहीं हो तो आपका हाथ चलना चाहिए टाइपिंग पे, आपके माइंड एक्टिव रहना चाहिए भाई, इस बात को ध्यान से देखिएगा। हाँ, बहुत अच्छे बच्चे, ये कौन से क्वाड्रेंट में हो गया आपका, सेकंड में या थर्ड में? अच्छा, सेकंड में हो गया, सेकंड में हो गया, बहुत बढ़िया, सेकंड क्वाड्रेंट में हो गया है। अब ध्यान से देखिएगा, टू टू करता हुआ आपको सबको नज़र आ गया होगा, है ना, टू टू करता हुआ नज़र आ गया होगा, कैसे सर रूट से बाहर निकाला तो रूट टू आया, फिर काट दिया। अब यहाँ जब मोड़ खोलेंगे हम, यहाँ मोड़ खोलेंगे तो यहाँ नज़र आएगा आपको कोस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू डिवाइड कोस एक्स बाई टू, मतलब इसको अपनी पहचान करवानी ज़रूरी है। हाँ, ये बात आ जाती है मॉडुलस फंक्शन की, ये बात आ जाती है मॉडुलस फंक्शन की, और मॉडुलस फंक्शन हमने देख लिया है। जिन बच्चों ने मॉडुलस फंक्शन नहीं देखा है, आई होप आप देख सकते हो, इसके आगे हम थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं, इतनी बातें हो गई। अब सेकंड क्वाड्रेंट की बात आ जाती है, तो कोस को अपना इंट्रो देना होता है, और कोस बोलता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में भाई मैं नेगेटिव हूँ, और जब नेगेटिव होता है तो मोड से बाहर आता है ना, तो क्या करते हैं उसको पनिशमेंट मिल जाता है जब गुना करके आता है, और साइन बोलता है मैं पॉजिटिव हूँ, है ना, पॉजिटिव बोलते हैं, सच्चाई तो आग में भी नहीं जलती है, ये हो जाएगा, ओ सॉरी, कोस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। हम यहाँ थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो ये बातें हमारी यहाँ तक भी हो गई है ना, यहाँ तक भी हमारी सारी बातें हो गई है। आप चाहो तो देख सकते हो, आप चाहो तो अच्छे से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दुख दर्द नहीं है यहाँ से इसके आगे, है ना, मैं आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा, आपको दिखता है तो बताइएगा, नहीं दिखता है तो बोल दीजिएगा, कोट एक्स बाई टू माइनस वन अपॉन, बोलिएगा आप आगे का, आप बोल दीजिएगा,
कोट अक्स बाई टू माइनस वन, बोल दीजिएगा ना, शर्माने की क्या ज़रूरी है, शाबाश, फिर प्लस कर दीजिएगा ना, कोट अक्स बाई टू प्लस वन। बेटा अगर आपके यहाँ कोई समस्या नहीं है तो इसकी एक स्टेप और आगे लेके जाता हूँ आपको, और आगे वाले स्टेप में भी आप समझा दीजिएगा क्या होता है। और आगे वाले स्टेप में मैं इसे लिख सकता हूँ वन माइनस टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन एक्स बाई टू। और यहाँ तक तो आपको हर चीज़ का पता चल ही गया होगा कि ये हम क्यों लेके आए हैं, क्योंकि जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं ना तो हमको लाना पड़ता है पाई बाई फोर माइनस एक्स बाई टू के लिए। हाँ, हवा हवा में बातें नहीं की हैं, हाँ बंजर बातें तो हम करते भी नहीं हैं। हाँ बोलिएगा, यहाँ तक कोई दुख दर्द है, कोई समस्या है, हमारा होमवर्क तक की ही बातें चल रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन आएगा, है ना, और इतना हार्ड क्वेश्चन भी नहीं होगा। आज तक हमारा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं आया, जब आएगा तो मैं बता दूंगा कि ये थोड़ा ठीक ठाक लेवल का क्वेश्चन है। बच्चे यहाँ आपको कोई बात पूछनी है, कोई दिक्कत है आपके, हाँ क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो हम क्वाड्रेंट की बात फिर से कर लेते हैं। यहाँ अगर आपके कोई समस्या है ना, यहाँ आपके कोई समस्या है तो मैं बात करूँगा आपसे। हाँ यहाँ आपके कोई समस्या है तो मैं बात करूँगा, मैं इसे बोलूँगा बच्चे कि गिवन क्वाड्रेंट है आपका, अक्ष जब बाउंड किया गया है तो वो पाई से टू पाई के बीच में किया गया है, लेकिन जब हमने फॉर्मूले लगा के फॉर्मूलों का यूज करने के बाद हमें कुछ चीज़ें नज़र आई कि जब अक्ष अपना हाफ कर बैठा, यानी कि अक्ष की जगह अक्ष बाई टू हो गया, तो जो हमें बाउंड दिया गया था अक्ष का वो भी अक्ष बाई टू हो बैठेगा। तो हमने क्या बोला है कि अक्ष बाउंड है पाई से टू पाई में, और यहाँ हमारा हमें जरूरी अब किसकी हो गई, एक्स बाई टू की, तो टू से डिवाइड कर दीजिएगा पाई बाई टू से, किस में हो जाएगा पाई में। और ये बेटा आपका क्या है, ये आपका क्या है, क्वाड्रेंट है, और क्वाड्रेंट आपका सेकंड क्वाड्रेंट है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। बेटा इक्वल होता लेस देन इक्वल होता या ग्रेटर देन इक्वल होता तो वहाँ कोई दिक्कत नहीं होती हमारे। ये अगर यहाँ ना, यहाँ बच्चे जो पूछ रहे हैं ना वो उनका टैलेंट बढ़ा नहीं, अगर यहाँ इक्वल होता तो वो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पूरा कौन सा क्वाड्रेंट बोलता है आपका, अगर सेकंड क्वाड्रेंट बोलता है और सेकंड क्वाड्रेंट की हम बात कर रहे हैं, पाई तक की हम बात कर रहे हैं, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट है, और सेकंड क्वाड्रेंट में कोस अपनी आप को माइनस ही मानता है। देख लीजिए कोस पाई पे भी माइनस वन देता है, अरे भाई इसमें डरने की क्या ज़रूरी है, यहाँ देख लीजिएगा कोस पाई क्या देता है, ये माइनस वन देता है ना, इसको आप कोस वन एटी लिख सकते हो, तो माइनस वन देता है। बोलिएगा ना, यहाँ तक कोई समस्या थोड़े ना आपके,